फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहाँ पर बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी हो गई है। ये यहाँ पे रिवर पार्क है और आपको नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे घूम रहा है, और जो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उसको वो जल्दी से उठा के लेके जाएंगे। ये देखें, हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे उतरने की पोजीशन ले रहा है, और कोई इमरजेंसी है इस बंदे की, काम करते हुए बैक टूट गई है या नेक इंजरी है, उसको जल्द से जल्द कैम्ब्रिज हॉस्पिटल पे पहुंचाया जाएगा। और इसमें हेलीकॉप्टर में फर्स्ट एड के डॉक्टर भी होते हैं, जो उसको कोशिश करेंगे कि जिंदा रखा जाए। ये देखिए, आपके सामने हेलीकॉप्टर आस्ता आस्ता उतर रहा है। अल्लाह बस खैर करे, मैं भी इस हेलीकॉप्टर में जा चुकी हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, आप देख सकते हैं ये नीचे ज़मीन पर उतर चुका है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला सब पर मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह ताला सब पर करम करे। तो इस तरह की जब इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो होता है इमरजेंसी वाला, वो आ जाता है। ये देखिए, उन्होंने इंजन उसका बंद कर दिया है। अब उसको मरीज़ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाने की और उसको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहाँ पर बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी हो गई है। ये यहाँ पे रिवर पार्क है और आपको नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे घूम रहा है, और जो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उसको वो जल्दी से उठा के लेके जाएंगे। ये देखें, हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे उतरने की पोजीशन ले रहा है, और कोई इमरजेंसी है इस बंदे की, काम करते हुए बैक टूट गई है या नेक इंजरी है, उसको जल्द से जल्द कैम्ब्रिज हॉस्पिटल पे पहुंचाया जाएगा। और इसमें हेलीकॉप्टर में फर्स्ट एड के डॉक्टर भी होते हैं, जो उसको कोशिश करेंगे कि जिंदा रखा जाए। ये देखिए, आपके सामने हेलीकॉप्टर आस्ता आस्ता उतर रहा है। अल्लाह बस खैर करे, मैं भी इस हेलीकॉप्टर में जा चुकी हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, आप देख सकते हैं ये नीचे ज़मीन पर उतर चुका है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला सब पर मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह ताला सब पर करम करे। तो इस तरह की जब इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो होता है इमरजेंसी वाला, वो आ जाता है। ये देखिए, उन्होंने इंजन उसका बंद कर दिया है। अब उसको मरीज़ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाने की और उसको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये फ़र्स्ट एड के डॉक्टर्स हैं जो मेरे आगे आगे जा रहे हैं। मैं भी ये जानना चाहती थी कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो वो देखें, एम्बुलेंस भी आ चुकी है, फायर ब्रिगेड्स भी आ चुकी है, पुलिस की कारें भी आ चुकी हैं, और ये एयर एम्बुलेंस के जो डॉक्टर्स हैं, फ़र्स्ट एड वाले हैं, वो भी जा रहे हैं। और जो सारी कारें हैं ये दूसरी तरफ को मोड़ दी गई हैं। एम्बुलेंस ने जो रास्ता रुका हुआ है, सारी कारों का दूसरी रोड से आ जा रही हैं, और यहाँ पर फायर ब्रेक डाउन हुई है। कोई टेस्को के पास मिठाई की दुकान है, जलेबियाँ वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे आग लगी है और बहुत ज़्यादा जुलस गए हैं, जिसको उनको बचा के, उनको फर्स्ट एड दे के वो बचाया जा रहा है। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ, यहाँ पे हेलीकॉप्टर पार्क किया है। आपको पता, स्ट्रीट में तो उतर नहीं ना सकता, तो इसलिए बड़े सारे पार्क में इस जगह पे उन्होंने हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। बहुत सख्त इमरजेंसी होती है, उतार कर यहाँ पर
फिर मामला नहीं हो सकता। जो स्टाफ है वो इमरजेंसी की जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर वैसे तो जो रोड एम्बुलेंस है वो भी आई हुई है और जो वो प्लस का साइन लिखा हुआ है गेट्स प्लीज और इसका मतलब है जो है वो आए हुए हैं। एम्बुलेंस है ये एम्बुलेंस जो है डॉक्टर्स हैं जो जल्द से जल्द मरीज को डॉक्टर्स होते हैं लेके जाते तो हैं ये भी वहाँ पे होंगे तो ये मशवरे से अच्छा काम कर सकते हैं सारे मिलकर। तो अल्लाह ताला जो भी इफेक्टेड है उसको बचाए। ये देखें जी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है पार्क में, पीछे यहाँ पे पिछले साल भी खड़ा था और हमें राइड भी मिली थी। तो ये देखें जी कितना जबरदस्त प्लेस है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है कितना बड़ा सारा है और हम जो को पायलट था उसके साथ हम डिस्कस भी कर रहे थे बातें भी कर रहे थे दिखाने के लिए इधर लेके आई हूं। इसका हेलीकॉप्टर अच्छा को कैसे चलाते हैं, क्या इसका ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा आपको कितना टाइम लगता है लाइसेंस लेने में, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी काफी इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, हम भी पूछ रहे थे। तो एक वक्त में इस एम्बुलेंस में 6 स्टाफ होते हैं, दो एक पायलट को पायलट होता है, एक दो डॉक्टर होते हैं, चार हो गए और मरीज को देखने के लिए और एक ही मरीज एक टाइम में लेके जाते हैं जो सीरियस इंजर होता है। और जो मरीज तो मुझे लगता था कि कोई इमरजेंसी में 6-7 मरीज उठा के ले जा सकते हैं, नहीं एक मरीज ही लेके जाते हैं। तो इंसानी जान बहुत कीमती है, उसको बचाने के लिए आप भी एयर एम्बुलेंस को डोनेशन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे जगह जगह यहाँ पे जगह होती है जहाँ पे आप NHS को सपोर्ट करते हैं और ये जो एयर एम्बुलेंस होती है इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं ये अक्सर चैरिटी पे चलती हैं, जो चैरिटी का फंड रन आउट हो जाता है ख़त्म हो जाता है तो लोग बहुत परेशान हाल होते हैं। दूसरी रोड की एम्बुलेंस है उसको पहुंचते वहां पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये जो वाली जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द कोशिश करके उसको जगह पे लेके जाया जाएगा। ये जो को पायलट है ये इसकी ख्याल भी रख रहा है हेलीकॉप्टर का कि कोई उसको खराबी ना करे, कोई उसको खराब ना करे, थोड़ा सा दूर हट के वो कह रहे हैं तस्वीरें वगैरह बना सकते हो आप। और बहुत हेल्पफुल स्टाफ है, बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग है। बहुत सारे लोग आज दिन बहुत अच्छा था, वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए, डे आउट के लिए, पिकनिक के लिए बाहर निकले हुए हैं और जो भी हेलीकॉप्टर को देखता है वो तो करीब में आके इसके साथ फोटो बनाते हैं जहाँ खुश होते हैं देखकर। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। जो पीछे प्लस का साइन रखा हुआ है ग्रीन रंग का, इसका मतलब है कि ये एयर एम्बुलेंस है और इसके आगे बड़ी सारी लाइट है। तो ये दो जो विंडो हैं ये फर्स्ट एड की आगे पायलट के और को पायलट के विंडो हैं जैसे कार में आप बैठते हैं, और पीछे पेशेंट के लिए स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है जो अभी दिखाएंगे। ये हवा काफ़ी तेज चल रही थी तो उसकी वजह से उसके विंड हिल भी रहे हैं, जो पंखे हैं ऊपर वाले चार, और उसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है ऊपर उठता है। तो वो बच्चों को बता रहा था कि किस तरह वो हेलीकॉप्टर जो है लिफ्ट अप करते हैं, तो वो किस तरह जो इंजन है वो पावर करते हैं और ऊपर की तरफ ये उठता है और ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता, 10-15,000 फीट हाई ही जाता है। तो क्लाउड के नीचे नीचे रहता है या क्लाउड में थ्रू हो जाता है, जिस तरह दूसरे जो जहाज़ होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल वो जहाज़ ऊपर जाते हैं तकरीबन 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 फीट हाई भी चले जाते हैं, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं उड़ता, ये बहुत क्लोज ही ज़मीन पर रहता है। और ज़मीन पर वो कहते हैं कि हमें नज़र रखनी पड़ती है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, हम ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते, इस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। जो भी इंटरेस्टिंग होती है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक बर वक्त पहुँचाने की कोशिश की जाती है।
जब कोई इंजरी सीरियस होती है तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, एम्बुलेंस वाले होते हैं, वही इस एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं। ये नहीं है कि हर बंदा 999 दबाए और एयर एम्बुलेंस आ जाती है। सिर्फ सीरियस सिचुएशन में ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है इंसानियत की जान को बचाने के लिए, इनकेस पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो ये देखें कितना साफ़ सफाई करके, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें ये हेलीकॉप्टर इस तरह जैसे गाड़ियां खड़ी होती हैं गैराज में, इस तरह खड़ा होता है और साफ़ सफाई करके हर चीज़ इंजन वगैरह हर चीज़ प्रिपेयर होती है, और जब कॉल आती है तो ये फ़ौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जाए वकुआ पर पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं इंसान की जान बचाने के लिए। और ये प्लस का साइन लिखा हुआ है, डोंट पुश, ये भी लिखा हुआ है। और ऊपर वो जो डॉक्टर होते हैं अपने कानों में डाल के वो हार्ट बीट चेक करते हैं, वो वाला साइन भी बनाया हुआ है कि हम जिंदगियां सेव करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह इसके पहिए होते हैं, किस तरह उसमें स्प्रिंग होते हैं, और वो जब ज़मीन पे अड़ता है तो वो ऐसे बैलेंस कर लेता है जैसे हम ट्रम्पलिन पे जंप करें तो हम बाउंस बैक करते हैं, इस तरह इसका फंक्शन है। तो वो बता रहा था जो को पायलट है कि इसका जो पार है नीचे से फ्लैट है और ऊपर से कर्व है, इससे ये ऊपर उठने में मदद मिलती है। वो ये भी बता रहा था कि जिस तरह एक टाली की जो बीज होते हैं ना, शीशम की ट्री के एक बीज, अगर आप उसको हवा में डालें या किसी चीज़ के बीज होते हैं नीम के या शरीन के, तो वो घूम घूम के नीचे आते हैं। इसी तरीके से जब पार ऐसा करते हैं कि जब ये इसने ज़मीन पर लैंड करना होता है तो ये घूम घूम के नीचे आता है। तो मैंने सवाल पूछा था कि क्या ये जिस तरफ को हवा का रुख हो आप उस तरफ को अड़ाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं, इसका जो इंजन है वो खुद ही इतना पावरफुल है कि इसको ऊपर उठाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लाइट है जो रात को ऑन कर देते हैं ताकि एयर ट्रैफिक को पता चले कि हेलीकॉप्टर है, जिस तरह हम रात को उसकी ट्रेन की और गाड़ियों की जो लाइट्स हैं ऑन कर लेते हैं, तो इसी तरीके से ये भी ऑन कर देते हैं। अब जो को पायलट है उसने हमारे लिए ये डोर खोल दिया है ताकि आप देख सकें कि अंदर से कैसा है। तो वो ये देखें, वो स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है जिस पे पेशेंट को लुटाया जाता है, और साथ में डॉक्टर्स की सीट है, साथ में ऑक्सीजन वगैरह है, साथ में जो PIP होती है, फर्स्ट प्रोटेक्शन किट होती है, वो भी है, एप्रन वगैरह, ग्लव्स वगैरह, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, और साथ में मेडिसन वगैरह और इंजेक्शन वगैरह भी सारे कुछ ही इसमें हॉस्पिटल की तरह ज़रूरी अदवियात जो होती है मेडिसन वो यहाँ पे तैयार की होती हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर में 6 बंदे जा सकते हैं, 2 आगे और 4 पीछे, जिनकी जगह उसने बताई है। आप देख सकते हैं पार्क में लोग खेल भी रहे हैं, और ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो ब्रांड न्यू है, बिल्कुल कोई डस्ट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। लाइफ सेविंग है ये हेलीकॉप्टर। और ये देखें जो को पायलट है बहुत ही हेल्पफुल है, सारे बच्चे आते रहे हैं, वो आधा घंटा घंटा जितना भी इधर खड़ा रहा है वो सब के जवाब दे रहा था। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछ रहे थे सवालात बहुत सारे, इसका कैसे चलता है, क्या करते हैं, क्या सीखना है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप अपनी जॉब लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते, इस तरह के बहुत सारे सवालात जो बच्चों के माइंड में होते हैं, तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे उनके सीखने और समझने का चांस होता है। तो वो दिखाते हैं, वो हमें बुला रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखा दूं कि अंदर से ये कैसा है। तो बच्चे वगैरह भी हम भी देख रहे हैं, ये देखें मैन जिस एयर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, और आगे वो हार्ट बीट चेक करने वाली जो मशीन होती है, नब्ज चेक करने वाली वो बनाई हुई है। तो ये देखें लोग, कई लोग खड़े वीडियो बना रहे हैं, कोई लोग, जो कितना ज़बरदस्त दिन है, बहुत सनशाइन है, मैं जितना भी टाइम वहाँ पे खड़ी रही हूँ मैं बहुत इंजॉय किया है, नाइस वार्म वेदर है। और ये देखें क्लाउड भी हैं, हवा भी चल रही है, बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, और ये बहुत लकी लोग हैं जिनके घर जो है साउथ फेसिंग है और सारा दिन इनके घर में लाइट रहती है। वो आगे गुरुद्वारा भी है, एयर एम्बुलेंस खड़ी हुई है।
तो अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज और अमान में रखे, अपनी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला अनगहानी जो मुसीबतें परेशानी हैं अल्लाह ताला उनसे बचा के रखे, और अल्लाह ताला आपकी दिन दुनिया रात अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बच्चे हैं, एक ने साइकिल वो परली साइड पे रखा हुआ है, एक उसने इस साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि साइकिल अगर पास में लेके जाएं तो स्क्रैच आ सकती है तो फिर नुकसान हो सकता है, तो साइकिल थोड़ा दूर रखना होता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है और उन्हें दिखा रहा है। मैं साथ साथ में आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ, और ये जो टायर होते हैं देखिए इतना बोझ वो उठा लेते हैं कि हवा में जब चलता है तो टायर अंदर चले जाते हैं, और जब हवा से बाहर होते हैं तो ज़मीन पर जब लैंड करते हैं तो बहुत स्मूथली इसमें स्प्रिंग होते हैं, वो बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो उन्होंने ये पीछे से जो एयर एम्बुलेंस का जगह है वो दिखा चुका है इन बच्चों को, साथ साथ में बातें भी किए जा रहे हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो सवाल जो पूछने होते हैं वो नॉलेज का जो होता है एक तरीका होता है। ये देखिए बच्चे 10-12 साल के हैं और कितना सवाल जवाब कर रहे हैं, और हम भी इसी तरीके थे, हम तो अभी 45-46 हो गए तब भी हम इसी तरह सवाल जवाब करते हैं, ये तो फिर बच्चे हैं। तो जो इंसान तो सीखता है पंगूरी से लेके कब्र तक, तो बच्चों को जब सवालों के जवाब दिए जाएं तो वो बहुत अच्छा फील होता है। वो अब पायलट हमें बता रहा था कि वो आपको बताता है कि ये लिफ्ट कैसे करता ऊपर करता है, तो उसने अपने ट्राउज़र पर उसका एक बोर्ड सा बना हुआ है जैसे वाइट बोर्ड होता है, मार्कर के साथ उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये होता है। अब ये बच्चे जो हैं जा रहे हैं गुड बाय और थैंक यू कह के। अब ये देखें जी जो हेलीकॉप्टर है ये हमारे घर के ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा, और मैंने जैसे ही वेव किया था उन्होंने बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजारा, तो अब आवाज़ आनी शुरू हो गई है इसकी। अब ये उसकी और ये देखें अभी थोड़ी देर में ऊपर को उठेगा, ये हमारे घर के बिल्कुल पीछे है, इतना 5 मिनट का भी नहीं फासला, अगर हम गेट को से जाए ना तो हमारा 1 मिनट का फासला है, लेकिन हमें राउंड जाना पड़ता है हमने गेट सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी बंदा अंदर ना आ जाए, बहुत रश होता है तो बंद रखा है, इसलिए हमें राउंड जाना पड़ता है ना घर से, तो इसलिए जब ये पंखे चलते हैं ना हेलीकॉप्टर जो है वो मरीज को लेके आपको वापस जा रही हैं, हवा होती है पहले के इसका इंजन ऑन जब करते हैं तो फिर ये जो उसके विंग हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं जैसे घर का पंखा चलता है, और जब तेज़ तेज चलते हैं तो फिर वो लिफ्ट होने का वो जब चांस होता है तो वो जल्दी से लिफ्ट हो जाता है, पहले हेड स्टार्ट लेते हैं तो विंग जब वो चलना अपनी स्पीड से होते हैं तो फिर वो उसको लिफ्ट करवा के तो फौरन एयर में चले जाते हैं। और ये देखें जी जहाज जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा है, वो फैंस के पीछे से आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर तो आपको जो है ना उसके विंग्स वो आस्ता आस्ता चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से चल रही है, तो आप ये देखिए उठ गया है मेरा तो आपको फैंसी नज़र आ रहा है लेकिन ये वो ऊपर उठ गया है अभी आपको नज़र आएगा, ये देखिए हेलीकॉप्टर जो है ऊपर उठ गया है, ऐसे लग रहा है कि आराम आराम से आस्ता आस्ता चल रहे हैं लेकिन बहुत स्पीड से जा रहे हैं, मैं उनको वेव कर रही हूँ और वो भी